हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो अपना ही चैनल टेक हेल्पर सियोम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक स्क्रैच सीडी डीवीडी को, या पुराना अगर आपके पास डीवीडी है, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें शादी की वीडियो हो, या फिर अगर किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट है, वीडियो है जो कि कॉपी नहीं हो रहा है सीडी पुराना हो जाने के कारण, कुछ इस तरीके का सीडी डीवीडी देखने में हो गया है और बिल्कुल कॉपी नहीं हो रहा है, सेम यही चीज मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने सोचा चलो यार आपको बता दूं कि किस तरीके से उस डेटा को, उस वीडियो को, उस फाइल को आप बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में यही चीजें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। सब कुछ देखिएगा ध्यान से एंड तक, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो आई होप आप सब कुछ समझ जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे मेरे पास एक डीवीडी है जिसमें कि पुराने शादी का जो है वीडियो है वो कॉपी नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, मैंने अभी डीवीडी लगाई है तो थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। ये डीवीडी है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहां पे एक वीडियो है जो इस फाइल में है, तो इस फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। अब आपको दिखा दूं मैं, ये जो नंबर 2 की यहां पे ये वीडियो है, ये 193 MB की वीडियो, लेकिन ये कॉपी करने पर दोस्तों यहां पे कॉपी हो नहीं रहा है, मेरे पीसी में आ नहीं रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने जैसे ही कॉपी करने की कोशिश की है तो यहां पर 1% पे ये वीडियो रुक जा रहा है, यानी कि 1% से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो किस तरीके से हम रिकवर करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देख रहेगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, हमें सिंपली इसे कैंसिल कर देना है। हमें भी यार रिकवर करना है अपना डेटा किसी भी तरीके से। उसके लिए क्या करना है कि हमें सबसे पहले आ जाना है अपने गूगल पे, एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए किस तरीके से उसे डाउनलोड करना है। दोस्तों सॉफ्टवेयर का नाम है सीडी रिकवरी टूल बॉक्स फ्री, आपको गूगल पे अपने लिख लेना है। तो यहां पर देख सकते हो यार, जैसे मैंने टाइप किया सीडी रिकवरी तो यहां पर ऑटोमेटिक नीचे आने लगा है। तो चलिए हम सिंपली सीडी रिकवरी टूल बॉक्स फ्री पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप सीडी रिकवरी टूल बॉक्स फ्री लिख के टाइप करोगे, आपको इतनी सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वाली वेबसाइट को ही ओपन कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करोगे यहां पर आपको सीडी रिकवरी टूल बॉक्स फ्री कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसी सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है, सिंपली फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही देखो मैंने फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया, कुछ इस तरीके का विंडो खुल गया जहां पे भी फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आया, तो सिंपली हमें फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो अगेन हमने फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और जैसे ही आप देखोगे इस पे क्लिक करते ही डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ये देख तो 15 से 20 MB का है सॉफ्टवेयर है, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए यार मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सिंपली हमें ओपन कर लेना है, लेकिन ओपन करने से पहले मैं बता दूं आपको अपनी डीवीडी को लगा लेना ताकि ज्यादा बेटर होगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने डीवीडी लगाई है, तो डायरेक्टली यहां पे डीवीडी मेरा शो कर रहा है। डीवीडी नहीं, सॉरी ये सीडी है दोस्तों, बहुत ही पुराना सीडी है। तो यहां पर अभी इसका वीडियो हम करेंगे कॉपी, रिकवर करेंगे। तो सिंपली हमें इस डिवाइस पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे दोस्तों आपको यहां पे टारगेट डायरेक्टरी देना है, यानी कि आपको टारगेट देना है कि ये वीडियो आपकी रिकवर कहां होगी। तो यहां पे आप क्लिक करके आप अपना लोकेशन दे सकते हो, मैं डेस्कटॉप पे रखूंगा, ओके करूंगा। तो दोस्तों ये करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहां पे अपने आपके डीवीडी में जितनी सारी फाइल्स है वो शो करेंगी। तो आपको अपना चूज करना है जहां पे भी आपका वीडियो है। अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट कॉपी करना है तो आप सारे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा जो वीडियो है इसके अंदर है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों ये जो दूसरे नंबर की मेरी वीडियो है, ये मेरी वीडियो मुझे कॉपी करना है, तो इस पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा एंड यहां पे मैं उसके बाद सेव क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, आप देख सकते हो थोड़ा टाइम ले सकता है, 15 से 20 मिनट। जितनी बड़ी वीडियो होगी, जितना बड़ा डॉक्यूमेंट होगा, जितना फाइल होगा, उतना टाइम ये ले सकता है सॉफ्टवेयर। सो फ्रेंड 30 सेकंड से 40 सेकंड तक ये मेरा जो रिकवरी था वो रुका हुआ था, लेकिन अचानक से ही देख ही सकते हो आप यहां पर लोडिंग फिर से स्टार्ट हो गया है और हमारा जो ये रिकवरी है वो स्टार्ट हो गया है। हेल्पफुल है वीडियो क्योंकि आपका काम पूरा इससे हो जाने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करके आप जाना। लेकिन अब उससे पहले देख लो कि ये डीवीडी, ये जो वीडियो हम कॉपी कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, क्या ये चलता है या फिर नहीं चलता है, हम ये भी दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों ये जो 200 MB का हमारा वीडियो था वो लगभग हमारे 2 मिनट में कंप्लीट हो जाने वाला है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम प्ले करके दिखाएंगे क्या ये वीडियो चल रहा है, सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर जैसे ही कंप्लीट होगा टास्क, कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा पूरा आपका डेस्कटॉप, या फिर आप जहां पे भी टास्क दिए रहोगे वो आपका खुल के आ जाने वाला। तो मैंने डेस्कटॉप दिया था तो डेस्कटॉप खुल के आ चुका है। उसके बाद यहां पर आपको जो भी फाइल आपने चूज की थी वो यहां पे ओपन हो जाएगी। अब मैं उस वीडियो को प्ले करता हूं और दिखाता हूं कि क्या वो वीडियो चल रही है कि नहीं। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हो वीडियो तो चल रही है, लेकिन दोस्तों इसको मैंने धुंधला इसलिए किया है क्योंकि प्राइवेसी के कारण मैंने इसे धुंधला किया है, बट यहां पर वीडियो चल रही है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात थी, कॉपी नहीं हो रहा था, मेरे डेस्कटॉप पे कॉपी हो गया और ये आप देख सकते हो बिल्कुल यहां पे डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो ये रिकवर हो चुका है हमारा वो वीडियो। तो बस यार इस वीडियो को लेकर, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी आपका इससे काम हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को और भी लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये चीजें पता चल सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ प्रेस कर लीजिए बेल आइकन ताकि इसी तरीके की वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।